गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आज जो आपकी वर्कबुक है इसमें मैं हिंदी सब्जेक्ट अपन करेंगे, ठीक है। इस वर्कबुक में हिंदी विषय के जो ऐसे अनार आ से आम हैं ये हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है अ, अ से अनार। क्या होता है बच्चों? अ से अनार, इसे बोलते हैं हम अ, ठीक है। अब अ कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखिए। ये जो डॉट्स दिए हैं इस पर हम ट्रेस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी पेंसिल रखी और एक हाफ सर्किल ड्रॉ करके यहाँ तक लेके आए, ब्लू लाइन तक, ओके, इस ब्लू लाइन पर, ठीक है। फिर यहीं से दूसरा हाफ सर्किल इसी को जोड़ते हुए नीचे ब्लू लाइन तक लेके जाएंगे और उसे थोड़ा सा ऊपर लेके बाहर निकालेंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। ये हाफ सर्कल जो हमने ड्रॉ करा है इसे थोड़ा सा आगे लिया है। अब बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे ब्लू लाइन पे टच होती है, यहाँ ऊपर ब्लू से नीचे ब्लू पे, और बाद में हम एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे। तो ये क्या बनता है? अ, अ से अना, ठीक है बच्चों। फिर से ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने ये हाफ सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ऊपर ब्लू लाइन से लेके ये जो सेकंड नंबर की ब्लू लाइन है यहाँ से एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ से फिर हमने एक और दूसरा हाफ सर्कल नीचे ब्लू लाइन तक टच करके ड्रॉ किया और उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस हाफ सर्कल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है। फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये बीच में जो लाइन होती है यहाँ पे, उसके बाद ऊपर से हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ ब्लू लाइन पे टच करेगी और फिर एक स्लिपिंग लाइन, लास्ट में एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? अ, अ से अनार, ठीक है। अब मैं ट्रेस कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और अपनी वर्कबुक में आप लोग खुद भी बनाइए, अपने आप ये वर्कबुक वर्क करना है बच्चों। हिंदी में अपने आप आपको लिखना सीखना है। अ, अ से अनार, ये आपको बोलते जाना है, साथ साथ में पढ़ते जाना है और इन डॉट्स को ट्रेस करते जाना है। अ, अ से अनार, हाफ सर्किल, सेकंड हाफ सर्किल, बीच में स्लिपिंग लाइन, ऊपर से स्टैंडिंग लाइन और फिर से एक स्लिपिंग लाइन, ओके। अ से अनार, फिर से देखिए, एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया यहाँ तक, दूसरा हाफ सर्कल ड्रॉ किया यहाँ नीचे टच करके, फिर उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया, बीच में से लाइन ज्वाइन की, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन, ठीक है। इस तरह से हम पूरा अ लिख रहे हैं। अ से अनार, 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 ठीक है। अब ये विदाउट डॉट वाले करेंगे, क्या करेंगे हम, ये जो ब्लू लाइन है फर्स्ट यहाँ से हम एक हाफ सर्किल लाएंगे, इस लाइन पे टच करेंगे, दूसरा हाफ सर्किल करेंगे वो थोड़ा सा नीचे ब्लू लाइन पर टच करके और उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। बीच में से एक लाइन ज्वाइन करेंगे और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे बीच वाली लाइन टच करेगी, ज्वाइंट होगी, ठीक है। और ऊपर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्या बन जाता है हमारा? अ, अ से अनार। फिर से देखते जाइए, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल, उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर बीच में से लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, ठीक है। इस तरह से हमने अ से अनार लिखा, ठीक है। ये जो और अ से अनार कहाँ लिखा गया बच्चों? ये थ्री लाइन के अंदर, ये जो बीच में ब्लू लाइन दी है इसमें, ये जो आपकी वर्कबुक है इसमें आप आज हिंदी में वर्क करना सीख रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट में। इसमें सबसे पहले हम अ, अ से अनार, अ से अनार लिख रहे हैं, ओके। आप भी अपनी वर्कबुक में ये पेज कंप्लीट कीजिएगा इस तरह से, धीरे धीरे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे बनाना, आपको ये स्वर व्यंजन सब लिखना आना चाहिए, ओके।
अभी हम क्या कर रहे हैं, स्वर कर रहे हैं। स्वर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अ, अ से अनार, बोलते जाएंगे अ से अनार, इस तरह से फर्स्ट हाफ सर्किल यहाँ तक, सेकंड हाफ सर्किल नीचे टच होगा उसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, फिर एक बीच में से लाइन लाएंगे, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से स्लीपिंग लाइन, अ से अनार, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी के आगे, इसके नीचे क्या दिया है हमें, आ, क्या लिखा है नीचे, आ, आ से क्या होता है, आम, आ से आम। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे बच्चों, ये सबसे पहले तो हम अ की तरह, पहले अ जो हमने अ से अनार सीखा था वही लिखेंगे, अ से अनार, सबसे पहले तो हम अ बनाएंगे, उसके बाद उसी अ के आगे हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो बन जाता है आ, आ, आ से आम। ठीक है, देखिए इधर फर्स्ट हाफ सर्किल किया हमने, जैसे अभी अ पे किया था, फिर सेकेंड हाफ सर्किल यहाँ टच करा नीचे, फिर इसे थोड़ा आगे ले गए, बीच में से एक लाइन ज्वाइन करी, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी हमने। ठीक है, इस तरह से ऊपर लाइन की, ये सेम अ से अनार जैसे। ठीक है, बस बाद में एक आपको स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी खड़ी रेखा, एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी। ठीक है, तो ये बन जाता है आ, आ से आम, इस तरह से आपको डॉट पे ट्रेस करते जाना है, आ, आ से आम, आ से आम, आ से आम, आ, आ से आम, क्या बोलेंगे आप इसे, आ, ओके, आ से आम, बोलते भी जाना है साथ साथ में, इनको पढ़ते भी जाना है आपको, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए सब, आ, आ से आम, ये सारे डॉट्स पे पहले ट्रेस कर रहे हैं हम, हाफ सर्किल, फिर एक और हाफ सर्किल उसे थोड़ा आगे बढ़ाया, बीच में से जॉइंट किया, और टू स्टैंडिंग लाइन आपने की, ऊपर से एक स्लिपिंग लाइन कर दी। ठीक है, देखते जाइए ध्यान से बच्चों, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत धीरे धीरे ढंग से लिखना, लाइंस के ऊपर ही, लाइंस का ध्यान रखते हुए। हाँ ठीक है, अब फिर से बनाएंगे हाफ सर्किल, फिर सेकेंड हाफ सर्किल, फिर स्लिपिंग लाइन और टू स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लिपिंग लाइन, आ, आ से आम, फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, देखो फर्स्ट हाफ सर्किल मैंने यहाँ तक किया, सेकंड हाफ सर्किल मैंने नीचे ब्लू लाइन पे यहाँ लाके टच किया, अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और इसको ज्वाइन करते हुए टू स्टैंडिंग लाइन, हमने जैसे एक स्टैंडिंग लाइन करी, उसके बाद थोड़ी सी दूर एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, एक सीधी खड़ी रेखा, ऊपर से हमने स्लिपिंग लाइन कर दी, क्या बन गया, आ, आ से आम, 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 इस तरह से आपको बोलते जाना है बच्चों साथ साथ में, और ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब अपने आप लिखना सीखना,
ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको पहले अ से अनार लिखना सिखाया और बाद में आ से आम। ठीक बच्चों, इस तरह से आज मैंने आपको हिंदी में दो अक्षर लिखने सिखाए, अ से अनार और आ से आम। ओके, आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये पेज कंप्लीट कीजिए। फाइन।